मुरादाबाद में जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के 6 जिले थाना क्षेत्र के ग्राम सराय खजूर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि दोनों पक्ष जमीन पर कब्जा करने को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि ग्राम सराय खजूर निवासी मौलाना फजलुर रहमान की जमीन के पास में ही गांव के ही निवासी रहीमुद्दीन की जमीन है, जिसके बीच में कुछ ग्राम समाज की भूमि है, जिस पर रहीमुद्दीन ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहा तो मौलाना फजलुर रहमान ने उसका विरोध करते हुए मना किया, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी धीरे धीरे मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होनी शुरू हो गई, जिसका लोगों ने बीच बचाव कराने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में मारपीट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी देहात विद्या सागर मिश्रा का कहना है कि सराय खजूर थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे। सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर दोनों पक्षों पर नियंत्रण किया गया। मारपीट के दौरान पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और नियम अनुसार गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, क्या है पूरा मामला? ग्राम सराय खजूर थाना छजलेट में जमीन पर कब्जा करने को लेकर के दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर उभय पक्षों को नियंत्रित किया गया। मारपीट के दौरान इनके द्वारा पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उभय पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और नियमानुसार गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।